चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियां। इससे पहले हमने चैप्टर 1 सौरमंडल और चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया है। अब उन जो फर्स्ट चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी की तरह और अन्य 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं लगातार एक ही डिसिप्लिन में, ठीक है, इसीलिए उनको प्लैनेट कहा जाता है। जो ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं यानी एक ही दिशा में चक्कर नहीं लगाते, दिशा नहीं एक ही पाथ में ऑर्बिट में नहीं लगाते हैं तो वो प्लैनेट नहीं कहलाते हैं। तो ये जो कंडीशन थी वो प्लूटो फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसको प्लैनेट से हटा दिया और फिर इसको ड्रॉप प्लैनेट में डाल दिया। अब सौरमंडल जो है वो किस में आता है वो भी हमने देखा, वो आता है मिल्की वे, हमारी जो आकाश गंगा है उसके अंदर। और आकाश गंगा में हमारे सौरमंडल जैसे कई सारे सौरमंडल हैं, असंख्य सौरमंडल हैं, यानी कि सूर्य के जैसे कई सारे तारे हैं जिनके कई सारे ग्रह होंगे। और आकाशगंगा की बात की जाए तो आकाशगंगा आती है ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, और इस ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसके जैसे कई सारी आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। तो ये सब हमने कल पढ़ा था और पृथ्वी की शेप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में से सेकंड में, किसकी शेप कैसी है, जियोर्ज इसकी शेप है और उसकी सैटेलाइट यानी कि मून के बारे में, कौन से ग्रह के पास कितनी सैटेलाइट है, ये सारी चीजें हमने कल परसों देख ली थी। और कल हमने पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो उसमें क्या था, पृथ्वी को पृथ्वी का मापन था एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो पृथ्वी को सेंटर से ये देखने के लिए कि उस सेंटर से मापने के लिए एक लाइन खींची थी बीच में जिसको हम इक्वेटर कहते हैं जो कि 0 डिग्री पर था। फिर एक दूसरी लाइन थी, कई सारी लाइन थी 90 डिग्री तक, लेकिन जो 23.5 पर थी मुख्य थी लाइन 23.5 पर, उसको कहते थे कर्क रेखा। और नीचे भी इतने ही एंगल पर 23.5 पर थी, उसको कहते थे मकर रेखा। फिर 66.5 पर थी तो आर्कटिक सर्कल ऊपर था और नीचे था अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये तो उत्तरी ध्रुववृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल और नीचे था दक्षिणी ध्रुववृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल। और फिर एक खड़ी लाइन थी, ये भी 0 डिग्री पर थी, तो इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। और इसके साथ भी हमने इस तरह से लाइनें खींची थी, ये 180 थी, 180 डिग्री इसके पीछे भी थी, जो पीछे की लाइन हमने नहीं देखी, पीछे की लाइन आगे इसी लाइन के साथ, इसको लाइन को हमने माना है टाइम जोन यानी ग्रीनविच टाइम जोन माना था इस लाइन को जो 0 डिग्री पर है। और इसके पीछे यानी कि 180 डिग्री पर जो लाइन है, चलिए उस चैप्टर में ही देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है ये ग्रीनविच टाइम की लाइन है, यहाँ से समय आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस में एक घंटा जुड़ता जाता है, पीछे की तरफ माइनस होता जाता है। और दूसरी ये लाइन है 180 डिग्री पर, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये ऐसी है जिगजैग, सीधी नहीं है क्योंकि इसको किसी पृथ्वी से टच नहीं किया गया है, क्योंकि पृथ्वी से टच कर देंगे तो कोई एक कंट्री होगी और एक ही कंट्री में यदि बीच से होकर ये लाइन जाएगी तो टाइम चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको क्या किया है, जिगजैग कर दिया है, पानी पानी से ही निकाला गया है ताकि कंट्री सेपरेट रहे, टाइम जब बदले, तिथि बदले, डेट बदले, टाइम नहीं डेट, क्योंकि इसको डेट लाइन बोलते हैं ना, तो जब डेट चेंज हो तो क्या हो, एक ही देश या सिटी में दो दो डेट ना हो, ठीक है। जैसे आप जिस शहर में रहते हैं वहां
आपके पड़ोस में किसी की 2 तारीख है और आपका 1 तारीख है, ऐसा ना हो इसलिए इसको क्या किया, पानी से ही गुजरने दिया और किसी जमीन को टच नहीं किया। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो घूर्णन यानी कि रोटेशन और परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। तो अपने अक्ष पर क्या होती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती रहती है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा लगाती रहती है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा लगाती रहती है ऐसे करती। तो हम किसी चीज की परिक्रमा लगाएंगे तो वो परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहलाएगा। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। कक्षीय सतह यहाँ से, कक्षीय सतह पिक्चर में देख लेते हैं नीचे चल के। ये देखिए अपने अक्ष पर ये पृथ्वी क्या है, पढ़ लेते हैं। अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है जिसके कक्षीय सतह से 66 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में इसके सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे चित्र 3.2 में सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, और सूर्य के पीछे की तरफ जो होता है वहां पे क्या होता है, रात होती है। तो उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ये जो लाइन है, जिस लाइन लिखा भी है, इसको कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख रहे हैं। तो ये अक्ष एक्चुअली पृथ्वी का एक्सिस ये है, ठीक है, और जो इमेजिनरी लाइन बनी है वो ऐसे एकदम सीधी बनी हुई है। तो इमेजिनरी लाइन और जो उसका अक्ष है उसके बीच में क्या है, 23 डिग्री का झुकाव है। ऐसे जो हमने कल पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड पढ़े थे उनमें, जो प्राइम मेरिडियन था वहां पे, और फिर ये इक्वेटर था उसके साथ। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे थोड़ी घूमी हुई है, टिल्टेड है हल्की सी। तो जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है तो क्या होता है, इसके आधे भाग पर तो दिन होता है और आधे भाग पर रात होती है। और इसे पूरा करने में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, ठीक है। घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, रोटेशन 24 आवर में पूरा करती है। तो यह पृथ्वी की दैनिक गति है, एक दिन में यह पूरा कर लेती है, ठीक है। और फिर ऊपर तो एक्टिविटी दी है, कुछ खास नहीं है, यहाँ थोड़ा सा है देखेंगे। क्या आप जानते हैं, ये जानते होंगे, कुछ ऐसा खास नहीं है, कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि घूमती है, घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। अपने बता दिया मैंने ऊपर, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, वो तो रोटेशन हो गया और सूर्य का चक्कर परिक्रमण हो गया। तो पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन और 1/4 यानी कि 6 घंटे दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं फिर, उसके बाद हम करते हैं आगे, देखो चलेंगे देखेंगे कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। तो आपने देखा होगा 4 साल में फरवरी पड़ती है, 4 साल में 29 दिन की होती है,
तो 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसका क्या रूल है? 2022 ऐसे करेंगे, वैसे पीछे की संख्या से कर लिया जाए तो क्या दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? तो एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो लीप ईयर उसे कहा जाता है जब हम 4 से डिवाइड करें उस संख्या को और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 2022 को डिवाइड जब करेंगे तो डेसिमल में ही सही, लेकिन ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो सूर्य है, अब सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी। कैसे लगा रही है ये आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी ऐसे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये इसका जो पाथ है इसको दीर्घ वृत्ताकार शेप कहते हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर में सूर्य पृथ्वी के, इसमें जो डेट दी हुई है 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून। यहाँ देखेंगे कि ये यही बात इस पिक्चर में दिखाई गई थी वही बताई गई है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुवों से सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ से प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में तो जो क्रिसमस है वो दिसंबर में मनाया जाता है सर्दियों में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है, यानी कि इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था और इसमें जो ये पिक्चर है यही है, थोड़ा समझने के लिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आखिर क्या है।
तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण क्या है। तो हमने देखा 23.5 था, ठीक है, और घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित, तो घूर्णन तो रिवोल्यूशन होता है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, सॉरी रोटेशन होता है, और परिक्रमण यानी कि सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। और लीप वर्ष भी हमने देखा कि जैसे घंटे बजते हैं 365 दिन का साल होता है, 6-6 घंटे हम जब ऐड करते हैं तो 29 दिन की फरवरी होती है जिस महीने वो लीप ईयर होता है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर और विषुव क्या है, ये इस पिक्चर को देखेंगे तो फिर समझ में आएगा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है, और ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है, और ये सही उत्तर चिन्हित करना है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति करने को क्या कहा जाता है, तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत गति पर किस दिन पड़ती हैं, तो विषुवत गति पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ये होता है परिक्रमण के कारण, और दिन रात होते हैं घूर्णन के कारण, तो ये सब देख लेते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, तो लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को गति क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक निश्चित कक्षा है उसमें घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब आगे क्या, एक्चुअली 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, इसको लिखेंगे दीर्घ वृत्ताकार, यहाँ लिख देते हैं दीर्घ वृत्ताकार शेप में क्या करती है, कक्षा में घूमती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और फिर जब इसका रिवीजन करेंगे एक साथ, तब जो छोटी हुई चीजें हैं उनको भी देख लेंगे। आप तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कुछ और कोई समस्या हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।